पांच ग्यारह और बारह ये गवाही है और, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है पुत्र में है लड़का दूसरा जगह में ढूंढ रहा है उसको छोड़कर सब जगह में ढूंढ रहा लाइट सोर्स सूरज को छोड़कर सब जगह में ढूंढ रहे हैं चंद्रमा में लाइट है माले में लेकिन वो तो रिफ्लेक्शन वाला है सोर्स नहीं है रिफ्लेक्शन और जितने भी सेवक लोग देख रहे हैं हम लोग चंद्रमा जैसे रिफ्लेक्शन स्टार जैसे स्टार में कुछ है ओरिजिनल है लेकिन लेकिन प्रभु में आने से दूसरे भी एक चीज है मैं बताना चाहता हूं जब परमेश्वर के ज्योति को पाते हैं प्रेम को पाते हैं जीवन को पाते हैं हम लोग भी ज्योति बन जाते हैं में यू बिकम लाइट ऑफ द वर्ल्ड यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं बाद में मती पांच में चेले लोगों से कह रहे हैं तुम लोग பாட்டு தும் துணியா கே நூறு ஓ சிராக் பண்ணு கேச்சம் கோ தும் துன்யா நூறு ஓ சிராக் ஓ தும் துனியா கே तुम दुनिया के के नूर हो चराग पन के। देखो य पांच में पढ़ना वचन यपस्वी पाँच का आठ आयत में है तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो ज्योति के संतान के समान चलो यपी पांच का आठ और नौ क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो अभी देखो बोल रहे हैं तुम पहले अंधकार थे गलत है क्या इसमें <laughs> गलत लग रहा है ना थोड़ा अंधकार में थे लेकिन पड़ोस लिख रहे हैं अंधकार में रहते रहते तुम अंधकार ही हो गए अंधकार में रहते रहते क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों लोग अंधकार बन जाएंगे वो ये जहां पर भी अंधकार फैलाएंगे ज्योति को नहीं फैलाएंगे लेकिन अभी क्या हो गए अभी तुम प्रभु में ज्योति हो यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन इसलिए तुम जीवन है यू आर मिस्टर लाइफ मिस्टर लाइट